एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शायस्टर्स। आई एम साइमा। कैसे हो आप सब? तो आज हम करेंगे एक चैलेंज, मतलब काफ़ी लोगों को मैंने ये चैलेंज करते हुए देखा, जिसमें वो एक प्रोडक्ट को, अलग अलग काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को एक जगह मिक्स करते हैं, देन अप्लाई करते हैं। तो लेट्स सी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ, मतलब थोड़ा सा फन के लिए, और आपको कैसा लगता है। और तो मैं एक्चुअली देखना चाहती हूँ मेरे अलग अलग जो फाउंडेशन हैं वो मिक्स होकर कैसा शेड बनाते हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, डोंट यू थिंक? लेट्स ट्राई। तो मैं अपने 10 फाउंडेशन लेके सारे फाउंडेशन को मिक्स करती ना, तो बहुत ज़्यादा लेंदी और मुझे थोड़ा समझ में भी कम आता। मैंने सोचा कि लेट्स कीप इट सिंपल, ज़्यादा मिक्सिंग मैचिंग नहीं करते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। सो आई एम गोइंग टू मिक्स माई ओनली 10 फाउंडेशंस, जिसमें अफोर्डेबल भी है, हाई एंड भी है। तो मैं बता दूँ मैं कौन कौन से फाउंडेशन मिक्स करने वाली हूँ। और सबके ना मेरे यहाँ से ना मेरी स्मूदिंग टूट गई है, तो यहाँ से एकदम इससे बल्ज सा बना हुआ है। सो मैं अपने सारे हाई एंड फाउंडेशन को मिक्स करूँगी। सबका टेक्स्चर अलग है, कोई लिक्विड है, कोई क्रीम है, और सबके शेड्स भी अलग है, मतलब है ना, हर कोई एक जैसा शेड नहीं होता। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन, मेरा शेड है इसमें ट्रेस लेचर्स। देन आई एम गोइंग टू यूज दिस रेने का फाउंडेशन, इसमें मेरा शेड है कैपिचिनो। एंड नेक्स्ट है मेरा मेबिलिन फिटमी का फाउंडेशन, 128 मेरा शेड है। ये शेड मुझे बहुत अच्छे से मैच होता है एंड दिस इज क्वाइट अफोर्डेबल। देन आई हैव दिस फाउंडेशन, इसका शेड आप देख रहे हो कितना डार्क है मेरे लिए। दिस इज के ब्यूटी का फाउंडेशन एंड ये कुछ 1100 रुपये का आता है इन दी शेड डीप। ये थोड़ा डार्क स्किन टोन है, बट मैं इसे मिक्स करने वाली हूँ अपने नॉर्मल स्किन टोन वाले फाउंडेशन के साथ। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। बाय द वे, मैं सारे प्रोडक्ट्स ना लिंक नहीं दूंगी, आपको यहाँ पे टैग कर दूंगी। तो जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाती जा रही हूँ ना, वो सारे के सारे आपको व्यू प्रोडक्ट में क्लिक करके आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो, तो बहुत ईजी है। इसलिए मैं सोचा मैं आपको रिव्यू भी दे दूँ। देन आई हैव दिस टू फेस्ड का फाउंडेशन, आई एम इन दी शेड लाइट बेज। ये एग्जैक्टली मैची शेड है। समटाइम आई फील कि थोड़ा सा डार्क लगता है, बट इट्स ओके। अगर डार्क लगता भी है तो आप हाईलाइट कंसीलर लगा के यूज कर सकते हैं। इट कम्स विद अ पंप, मतलब मोस्टली मेरे फाउंडेशन पंप के साथ है, तो मुझे थोड़ा सा थिक लगता है, और सर्दियों के टाइम तो वैसे भी सारे फाउंडेशन जम गए हैं, यू नो। इस वजह से दिस इज बॉर्न दिस वे फाउंडेशन, इट गिव्स यू मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन है ये। सो यस, देन आई हैव दिस प्लम का सॉफ्ट ब्लेंड वेटलेस फाउंडेशन, आई एम इन द शेड 110 नेचुरल बेज। पर ये मुझे नेचुरल नहीं लगता है, बहुत लाइट है मेरी स्किन टोन से, एंड इट कम्स विद अ पंप। मैंने इसे बहुत ही रेयरली यूज़ किया है, बट ये अच्छा है। देन आई हैव दिस नायका का फाउंडेशन, नायका स्किन शील्ड एंटी पॉल्यूशन फाउंडेशन, एंटी पॉल्यूशन, डीप हाइड्रेशन, ऑयल कंट्रोल एंड ट्रिपल एक्टिव एक्शन फॉर्मूला फाउंडेशन है। देन आई हैव द स्किन डूई फाउंडेशन लैक्मे का, जो मैं मिक्स करूंगी, एंड 875 रुपीज कॉस्ट करता है। मैंने इसका फुल रिव्यू आपके साथ शेयर किया, तो आप जाके भी देख सकते हो। स्किन डूई न्यूट्रल न्यूड फाउंडेशन है, मतलब मेरा शेड है न्यूट्रल न्यूड, एंड दिस इज अ सीरम फाउंडेशन, बट मैंने उसमें रिव्यू किया है दिस इज नॉट लाइक अ सीरम। मे बी शायद ये ठंड की वजह से ऐसा हो गया है, बट ये हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि आपने हाइड्रेशन नहीं दी अपनी स्किन को। सो मुझे पर्सनली काफी पसंद आया था ये फाउंडेशन। एंड देन आई हैव दिस कलर बार का 24 आवर्स वेटलेस लिक्विड फाउंडेशन, अगेन दिस इज विद दिस पंप पैकेजिंग, जिससे प्रोडक्ट आने वाला है, पर ज्यादा हम निकालेंगे नहीं क्योंकि अभी हमें यूज भी करना है। सो या, देन लास्ट मैं मिक्स करूंगी मेरा ये बॉबी ब्राउन का मिनी फाउंडेशन। ये टोटल 10 फाउंडेशन है। दिस इज लॉन्ग वेयर वेटलेस फाउंडेशन, बहुत हल्का फील होता है। SPF 15 है इसके अंदर एंड गिव्स योर ऑयल फ्री शाइन। कंट्रोलर है ये एंड फुल कवरेज है। फुल कवरेज के लिए आप इसका ज्यादा प्रोडक्ट लोगे तो। सो ये टोटल 10 फाउंडेशन मैं यूज करने वाली हूँ। लेट्स ट्राई। आई हैव दिस स्पैचुला यहाँ पे, मतलब स्पैचुला एंड दिस प्लेट, इसमें मैं फाउंडेशन सारे निकालूंगी वन बाय वन। सो यस, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट दिस मेबलिन वन आधा ही लूंगी मैं, इससे ज्यादा नहीं। के ब्यूटी, ठीक है, टू फेस्ड प्लम फाउंडेशन। सबका टेक्सचर ना बिल्कुल अलग है, सी सब अलग अलग कलर के फाउंडेशन दिख रहे हैं। आई हैव दिस रेने का फाउंडेशन लैक्मे, नायका कलर बार, देन आई एम गोइंग टू ऐड बॉबी ब्राउन। सही, बॉबी ब्राउन बहुत ज़्यादा नहीं निकला, ये नाइस। लास्ट ये बहुत फुल कवरेज है, दिस इज हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन गाइज, मतलब बेस्ट फॉर ब्राइडल वेयर, क्योंकि मैंने देखा है मोस्टली ब्राइडल मेकअप में ये यूज़ किया जाता है। एंड
गिव्स यू वैसे न्यू पैकेजिंग के साथ है एंड बहुत ही लाइट वेट फील होता है. आई डोंट नो बट इसमें प्रोडक्ट तो काफ़ी अच्छा खासा है एंड क्वाइट थिक फाउंडेशन. ओके सो ये हमारे टोटल 10 फाउंडेशन है जो मैंने इस प्लेट पे ले लिए हैं एंड अभी हम मिक्स करेंगे. ओके नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई दिस मिक्सचर जो हमने 10 फाउंडेशन का किया है. मतलब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है हम लोग क्या क्या करते हैं ना. मतलब आई एम यूजिंग दिस कलर बार का आई थिंक ये वाला स्पंज आराम से हम अप्लाई करें. What is this? Pair foundation ne mila ke sara. It's like double wear foundation mein keh sakti hu ye. Is time pe mujhe feel ho raha hai. Blend bhi bahut sahi ho raha hai. Matlab aisa kuch blend maine kuch primer and kuch bhi nahi lagaya hai face pe. Oh god, this is full coverage. Ab hum thoda sa aur lete hain. Kafi zyada hai hamare paas yahan plate mein foundation. Par thoda sa thick consistency hai ye. ओके गाइस तो क्या आप देख सकते हो ये कितना सुंदर लग रहा है. मतलब इतना फुल कवरेज फाउंडेशन में जल्दी नहीं अप्लाई करती हूँ. मुझे बहुत मीडियम टू शेयर कवरेज पसंद है. समटाइम्स आई लाइक फुल कवरेज अदरवाइज मैं बहुत फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं प्रेफर करती हूँ. बट ये जो 10 फाउंडेशन को मिक्स करके मैंने बनाया ना दिस इज फुल कवरेज फाउंडेशन. क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन जो फुल कवरेज है कुछ मीडियम टू शेयर है एंड कुछ बहुत लाइट कवरेज देते हैं. स्पेशली सिर्फ के ब्यूटी का मुझे ऐसा लगता है बहुत लाइट कवरेज देता है. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द फाउंडेशन आर फुल कवरेज एंड लाइक लुक एट दिस कितना सही शेड आया. मतलब एक बहुत अच्छा ब्राइट बट इसमें कुछ फाउंडेशन हैं जो ऑक्सीडाइज होंगे तो ये जो शेड ब्राइट ब्राइट सा दिख रहा है वो बिल्कुल मेरी स्किन टोन पर आ जाएगा. एंड आई एम लविंग दिस बेस लाइक ओह माय गॉड ल्यूमिनस भी लग रहा है एंड इट्स नॉट दैट बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली. मतलब बहुत सही दिख रहा है एंड पर क्रीज कर रहा है क्योंकि मुझे लगा मैंने इसे अभी सेट नहीं किया. मैं जस्ट फाउंडेशन की एक ही लेयर अच्छे से एक या दो बोलो लगा ली है एंड मुझे लगता है मुझे अपने बेस को सेट कर लेना चाहिए. आई एम बैक एंड यू कैन सी मेरा बेस कितना सही लग रहा है. मतलब ये फाउंडेशन कितना सुंदर आया है. मुझे पहले पता होता तो मैं सारे लेकिन ये 10-10 फाउंडेशन मिक्स करके हर टाइम लगाना मेरे लिए तो नहीं है पॉसिबल. मुझे लगता है किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है. एक या दो फाउंडेशन आप मिक्स करते हो सकते हो जब आपको लगता है आपका शेड सही नहीं है तो आप कस्टमाइज कर लेते हो लाइट एंड डार्क या फिर जैसा भी आप डार्क डार्क जो भी चाहो वैसा. बट ये 10-10 फाउंडेशन मिक्स करके लगाना अलग अलग टेक्स्चर अलग अलग फॉर्मूला कोई सही आइडिया नहीं है. बट या फन के लिए बहुत अच्छा है. बट ये बहुत अच्छा चैलेंज या जो भी कहो फन चैलेंज था वो बहुत सुंदर टर्न आउट हुआ है. मेरा बेस बहुत सही लग रहा है. सो यार गाइस दैट वाज इट फॉर दिस फन चैलेंज एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा. वैसे मैंने सारी फाउंडेशन के आपको ब्रीफ दे दिए हैं. कोई भी अच्छा लगता है तो आप बाय कर सकते हो. व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप डायरेक्टली उसको बाय कर सकते हो. लिंक्स पे जाने का या डिस्क्रिप्शन खोलने की कोई टेंशन नहीं. मतलब तो मैं अपनी फेवरेट फाउंडेशन बोलूँ वैसे सारे ही मेरे फेवरेट हैं. बट फिर भी 5 अगर फाउंडेशन बोलूंगी तो ट्राई दिस मेबलिन फिट मी वन दिस टू फेस्ड वन. आई लव दिस हुडा ब्यूटी का बट बहुत कम यूज करती हूँ. दिस बॉबी ब्राउन वन. मुझे नायका स्किन शील्ड पसंद बहुत है बट मुझे ऐसा लगता है कि पानी के कॉन्टैक्ट में आते ही बह जाता है इसलिए मैं बहुत रिकमेंड नहीं करूँगी. एंड दिस लैक्मे का एंड के ब्यूटी 6 बता दिए. मतलब बहुत ज़्यादा है ना. तो या कोई भी आप ले सकते हो. सो यार दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और कुछ ऐसा 10-15-20 प्रोडक्ट मिक्स करके कुछ जानना चाहो तो मतलब फन के लिए तो मुझे बता देना. वैसे मैं ब्लश के लिए प्लान कर रही थी मिक्सिंग माई ऑल लिक्विड ब्लश एंड क्या शेड निकल के आता है वो. सो हाँ कमेंट करके बता देना. दैट वाज इट. आई लव यू. बाय बाय. टेक केयर.